नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, सुधाकर सिंह के मामले में जो अब बयानबाजी तेज हो गई है और महागठबंधन के अंदर जो अन्य पार्टियां हैं उनके अंदर भी आक्रोश देखा जा रहा है। सुधाकर सिंह के बयान को लेकर जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने घेरा सुधाकर सिंह ने, उसके बाद अब तमाम महागठबंधन के अंदर की पार्टियां भी नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो गई हैं। सुधाकर सिंह को नसीहत दे रही है और कहीं ना कहीं आरजेडी भी इस नसीहत के दायरे में आ रही है कि आखिर इस तरह के जो शब्द हैं वो कहीं से ठीक नहीं है। हालांकि आपको बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले में कल बयान दिया था और कहा था जिस पार्टी के वो नेता हैं उस पार्टी को ये मामला देखना चाहिए, ऐसी बात कह दी थी। और उधर तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया था और उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि इस तरह के जो बयान देते हैं वो बीजेपी के एजेंट वाली भाषा बोल रहे हैं। इस तरह की बात तेजस्वी यादव ने कह दी थी और इशारों में बहुत कुछ कह दिया था सुधाकर सिंह को। उसके बाद बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के सरकार में सहयोगी हैं, हम के नेता हैं, अब उनका बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सुन लीजिए आप। देखिए, विरोध करना एक अलग चीज़ है। सैद्धांतिक विरोध हो और तरह का विरोध हो वो किया जा सकता है। राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में सब जगह विरोध और समर्थन होता है, लेकिन शब्दों की मर्यादा को कम से कम रखना चाहिए। और सुधाकर सिंह जी जो कर रहे हैं, जब से छोड़े हैं मंत्रालय तब से वो भाषाई मर्यादा को ताक पर रखते हैं और ताक पर रख देने के बाद जो भी होता है वो बोलते हैं। और उसके लिए कभी होता है कि उस लोग बोल गए ये बात कहे तो पश्चाताप करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि पश्चाताप हम नहीं करेंगे क्योंकि हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। एक तथ्य तो ये हुआ। और दूसरा हुआ कि जब जिस पार्टी से संबंधित हो हैं उस पार्टी के लीडर को जरूर इस पर तुरंत ही तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अब तेजस्वी जी कहते हैं कि लालू जी से पूछ करके कार्रवाई होगी, लालू जी सिंगापुर में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, अब कब पूछेंगे, कब कार्रवाई होगी, और तब तक के रोज़ कुछ न कुछ नया चैप्टर खुल रहा है। तो इससे गठबंधन धर्म को बहुत क्षति हो रही है, इसीलिए हमने कहा था कि तुरंत कार्रवाई करना, गठबंधन धर्म का पालन होगा। और जब गठबंधन धर्म का पालन ही नहीं जब होगा तो फिर गठबंधन का क्या मतलब होता है। तो वैसी परिस्थिति में ऐसा लगता है कि कहीं पॉलिटिकली साजिश तो नहीं है दूसरे दल का, जिस दल में सुधाकर सिंह थे और वहाँ से आए हैं, तो इसकी भी संभावना है। वैसी परिस्थिति में हम तो यही कहेंगे नीतीश जी को कि फौरन से पेशतर आवश्यक कार्रवाई कर करके उनको कम से कम रोकना चाहिए कि इस प्रकार की बातें न हो। सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विरोध करने का अधिकार सभी को है, पर भाषाई मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। तो नीतीश कुमार के लिए कई बार ढाल बन के खड़े हुए हैं जीतन राम मांझी, एक बार फिर इस बयान पर अब जो है वो खड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो सुधाकर सिंह है या फिर उनकी पार्टी है उसे नसीहत देते दिख रहे हैं जीतन राम मांझी। और उनका कहना है, उन्होंने ये भी नसीहत दे दिया आरजेडी को कि तत्काल प्रभाव से सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक रोज कुछ ना कुछ गलत बयानबाजी सुधाकर सिंह करते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी जीतन राम मांझी ने तो बड़ी बात कह दी है, आरजेडी को घेरे में ले लिया, लपेटे में ले लिया, तेजस्वी यादव को लपेटे में ले लिया कि इन पर तुरंत कार्रवाई कीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मामला मत छोड़िए, ये बातें कहते दिख रहे हैं। उधर महागठबंधन के अंदर की दूसरी पार्टी कांग्रेस ने भी इस पर जो है आपत्ति जताई है। उनका कहना है कांग्रेस का कि 17 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और उनके लिए इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है बिल्कुल गलत है। और
उन्होंने कहा है कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कांग्रेस के जो नेता हैं अजीत शर्मा, विधायक दल के भी नेता हैं ये, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुन लीजिए आप। नहीं नहीं गलत, अगर सुधाकर जी कहे माननीय विधायक है और इस तरह का बयान किसी खंडी है 17-18 साल जनता ने मुख्यमंत्री बना के रखा है, ये तो बिल्कुल गलत है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और मैं कहूँगा आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुशील मोदी कह रहे हैं कि वो लालू के आदमी हैं, तो उनको बुलवाया जा रहा है लालू यादव से। अब देखिए सुशील मोदी जी भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही खाली बकवास करती है कोई, लेकिन ये शिखंडी कहना ये बिल्कुल गलत है, इसकी हम खूब निंदा करते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार का विकास का काम कर रहे हैं, और सुशील मोदी जी के बयान पर कोई कॉमेंट नहीं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से बोलना जानती है, काम करना जानती नहीं है। बयान वापस लेना चाहिए, बिल्कुल वापस लेना चाहिए, शिखंडी कहना बिल्कुल गलत है। माननीय मुख्यमंत्री है, पूरे बिहार का सम्मान है, बिल्कुल उनको वापस लेना चाहिए। लिया आपने, सुधाकर सिंह के खिलाफ उनका कहना है कि तुरंत उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, यानी अब जो है सुधाकर सिंह को लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी भी लपेटे में आ गई है, जो तेजस्वी यादव हैं बिहार के डिप्टी सीएम है वो भी लपेटे में आ गए हैं, उन पर कार्रवाई करने का दबाव तेजी से बनने लगा है। सहयोगी पार्टियों ने भी कहा है कि तत्काल सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे जीतन राम मांझी हो कांग्रेस हो, दोनों ने ही मांग रख दी है। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरे मामले को राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टाल दिया है यानी लालू यादव पर, लेकिन दबाव भारी है अन्य पार्टियों का, पार्टी जो शामिल है सरकार में उनका, ऐसे में अब आगे आगे देखिए।